Hello everyone, a very good evening to all my dear students and a very happy Independence Day to all of you. So students, welcome to Unacademy Studios Vault and Independence Day ke saath saath a very happy Raksha Bandhan to all of you also. So let us start the class now. But hum jaise ki hum soch ke baithe hain, chahe kuch bhi ho, chahe Independence Day ho, chahe Republic Day ho, chahe koi bhi festival ho, kuch bhi ho, hum apni classes to regularly karenge hi karenge, kyunki IBPS PO mein zyada time nahi reh gaya hai, to ek bhi din hamara waste nahi hona chahiye. Ye series humko complete karni hai. Idioms and phrases hum logon ko padhne hain. Aap logon ne, bahut sare logon ne mujhe mails kiye the, WhatsApp, Telegram pe messages kiye the ki ma'am hame idioms and phrases padhna hai. To आज की क्लास जो है वो डेडिकेटेड है कम्प्लीटली idioms एंड phrases को. हम idioms एंड phrases बहुत जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट idioms एंड phrases हैं उनको आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. दूसरी चीज़, हम उनको मेमोराइज करने वाले हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, कुछ कनेक्शंस बताऊंगी, कुछ चीज़ों को रिलेट कर करके मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिससे कि आपको वो idioms एंड phrases बहुत टाइम के लिए याद हो जाएंगे. और अगर एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में हम देखते हैं बहुत यूजुअली idioms एंड phrases आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हमारी आती हैं. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वोकैबुलरी में जिनको पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और आज का सेशन जो है हमारा इसी चीज़ पे डेडिकेटेड है. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ. क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे एंड इट इज़ अ डे टू बी सेलिब्रेटेड एंड एन्जॉयड. So this is about me. My name is Nimisha Bansal. Sabhi ko pata hi hai almost. And teaching is my passion. I love to teach. And English se mera bahut keh sakte hain. I cannot explain you ki English mere liye kya hai. It is like, matlab I do not have words to it. But I love to teach and I love English. And that is why I am here teaching you English. This is about our Unacademy platform. एक बहुत अच्छा platform है, एक ऐसा platform, I think India का only one platform ऐसा है जो आपको best educators देता है. सारे के सारे, सारे subjects के best educators आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. This is my course, और सारे के सारे best educators का कोर्स भी यहाँ पे चलता है. फॉर एग्जांपल मेरा एक IBPS PO का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैबुलरी, देन वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिस्क्रिप्टिव सेशन, ऐसे कैसे करना है, लेटर कैसे रखना है, हर तरह के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट पास, सब कुछ हम वहाँ पढ़ रहे हैं. तो एक कोर्स जो केवल केवल बिल्कुल डेडिकेटेड है, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको वो कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. तो अनअकैडमी आपको हर एडुकेटर का, जितने भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं, हर एडुकेटर अनअकैडमी पे आपको कोर्स मिल जाता है. अब बात आती है लेना कैसे है कोर्स. पहले तो अनअकैडमी आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे जितनों ने नहीं की हुई है, एंड यू विल फॉलो माय प्रोफाइल. मुझे तो फॉलो कर ही लीजिए, बिकॉज जितने भी मेरी क्लासेस होती हैं, जितना भी मेरे कोर्सेज आते हैं, सबका अपडेट आपको मिलता रहेगा. सेकेंड थिंग इज़ वॉट, सेकेंड थिंग इज़ दैट यू शुड टेक 12 month सब्सक्रिप्शन. मतलब आपके आप पे डिपेंड करता है, आप किन में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. बहुत बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत बहुत चीप है. आई वुड से 12 months का सब्सक्रिप्शन लोगे 417 rupees पर मंथ है, बहुत इकोनॉमिकल है. और बस एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन को लोगे आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द कोड NBLIVE. ये कोड बिल्कुल याद रख लेना NBLIVE. इस कोड को लगाते ही आपको 10% का डिस्काउंट उस कोर्स, उस सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा. आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट एडुकेटर्स मिल जाएंगे. आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको क्विजेस मिल जाएंगे, आपको डाउट सेशंस मिल जाएंगे हर फैकल्टी के. तो सब कुछ केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. आज का सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी idioms एंड phrases पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे questions प्रैक्टिस करने वाले हैं. आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? क्या सभी लोग आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हैं? आई होप येस. तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास में हमारे साथ आ सकें. बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, लोग ज़्यादा होंगे, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, मज़ा ज़्यादा आएगा, चीज़ें सीखने को ज़्यादा मिलेंगी, और मेरा मोटिवेशन भी बड़ा रहेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में होंगे. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जल्दी से इसका लिंक कॉपी कीजिए. जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल्स में आप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स में आप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैनल्स, फेसबुक ग्रुप, सब जगह इस जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए. आगे बढ़ें, कर दीजिए सभी ने लिंक शेयर.
Yes or no? I hope सभी के सभी students ने link share कर दिया है. अब हम सब अपनी class पे आ जाते हैं और हमारी class क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. We are going to study idioms and phrases today. Idioms and phrases students के लिए बहुत difficult topic बहुत time से रहा है. कहते हैं ना weak point जो होता है बच्चे का वो idioms and phrases भी होता है vocabulary section में. तो आज और आगे आने वाली classes में हम idiom और phrases के जो आपको दिक्कत होती है उसको sort out करने वाले हैं. Idioms and phrase होता क्या है? Idiom का मतलब क्या है? एक ऐसा group of words जिसका meaning एकदम डिफरेंट है और जो मीनिंग वो कन्वे कर रहा है उससे. फॉर एग्जाम्पल एट अ स्टोन्स थ्रो. एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है? पत्थर फेंकना. पत्थर फेंकना और मीनिंग क्या है? एट अ नहीं एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है? पत्थर फेंकने की दूरी पर. और मीनिंग क्या है? वेरी नियर बाय. तो इसका एक्चुअल मीनिंग उसके लिटरल मीनिंग से अलग होता है. ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम idioms and phrases बोलते हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास विद आवर फर्स्ट idiom ऑन द स्क्रीन. और आज का जो हमारा पहला idiom है वो क्या है? हैविंग टर्नड द कॉर्नर. हैविंग टर्नड द कॉर्नर का मीनिंग क्या है पहले समझो. याद करना है हमेशा के लिए, केवल केवल रटना नहीं है. रटने में और समझ के याद करने में बहुत डिफरेंस होता है. तो देखो हैविंग टर्नड द कॉर्नर, अगर आप बाइक चला रहे हो, If you are learning how to drive a bike, मेरी drawing में मैं जाना drawing बहुत ख़राब है and I'm really very sorry for that, but उसका मैं कुछ कर नहीं सकती. अगर ये road है, आप bike चला रहे हैं, आपको corner आ गया, अब आपको turn लेना है या आपको U-turn लेना है corner से, आपके लिए सीधा चलाना difficult होगा या फिर corner से turn लेना difficult होगा. और आप just learner हो, आपने अभी अभी सीखी है या आप अभी सीख रहे हो, Obviously yes, आपके लिए कॉर्नर को टर्न करना डिफिकल्ट होगा. कॉर्नर आपने टर्न कर लिया मतलब आपने डिफिकल्ट सिचुएशन को पार कर लिया. याद हो गया हमेशा के लिए सारे के सारे बच्चों को कि हैविंग टर्नड द कॉर्नर का मीनिंग क्या हो गया. वॉट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग टर्नड द कॉर्नर, क्या मीनिंग हो गया? टू हैव पास्ड अ क्रिटिकल प्रोसेस, अ क्रिटिकल पॉइंट इन द प्रोसेस. हमेशा के लिए याद करना है idiom को, हमेशा के लिए. Having turned the corner, हमेशा तुरंत के तुरंत दिमाग में एक bike आ जानी चाहिए कि corner को पार कर लिया, corner से turn कर लिया, मतलब क्या है? एक difficult point को pass कर लिया, एक critical point को pass कर लिया. तो ये रहा हमारा sentence. After 9 months of poor sales, we have finally turned round the corner. हमारे लिए इतना मुश्किल समय था वो कि 9 महीने से हमारी sales नहीं हो रही थी, but अब हमने उस point को पार कर लिया है, उस difficult situation को हम लोगों ने पार कर लिया है. Having turned the corner, सारे के सारे बच्चे मुझे अभी comment करके इसका meaning बताएंगे. Having turned the corner का meaning क्या हो गया? पास अ, सभी लोग बोलेंगे, बोलते हैं जब हम चीज़ों को तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है. सभी लोग बोलेंगे हैविंग टर्न द कॉर्नर का मतलब पास अ क्रिटिकल पॉइंट इन द प्रोसेस. चलिए अगले idiom पे आ जाते हैं. एंड आवर नेक्स्ट idiom इज जंप थ्रू द हुप्स. जंप थ्रू द हुप्स, हुप्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हुप्स? हुप्स एक ना मेटल का बैंड जैसा होता है, वुडन बैंड भी हो सकता है. बैंड आप ना सपोज करो, ये सिचुएशन याद करो, ये बहुत सारे बैंड हैं और आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे जंप कर रहे हो. यू आर जंपिंग, दैट मीन्स व्हाट? यू आर डूइंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. आप हर वो पॉसिबल तरीका करने की कोशिश कर रहे हो जिससे सामने वाला आपकी बात मान जाए. हर वो पॉसिबल तरीका आप यूटिलाइज कर रहे हो, हर वो पॉसिबल तरीका को आप फॉलो इंप्लीमेंट कर रहे हो जिससे आपका काम बन जाए. दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? यू आर जंपिंग थ्रू दी हुप्स. आप हुप्स पे जंप करने के लिए भी रेडी हो बस सामने वाला आपकी बात को मान जाए. मीनिंग देखते हैं. टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ओबे और प्लीज समवन. किसी को ओबे करने के लिए, किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी की बात को मानने के लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो. दैट मीन्स यू आर जंपिंग थ्रू दी हुप्स. आप हुप्स के थ्रू जंप कर रहे हो.
टू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट सीम डिफिकल्ट, जो मैंने आपको दूसरा मीनिंग बताया. ऐसे बहुत सारे काम आपको करने पड़ रहे हैं जो बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं और अननेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, बैंक में जॉब लेने के लिए, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को बनने के लिए यू हैव टू जंप थ्रू द हूप्स. आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ करनी पड़ेंगी जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है और अननेसेसरी भी लग रही है. यू हैव टू स्टडी अ लॉट, यू हैव टू वॉच अ लॉट ऑफ क्लासेज, यू हैव टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो यू हैव टू जंप थ्रू द हूप्स. मीनिंग क्या हो गया, सेंटेंस देखते हैं. वी हैव टू जंप थ्रू द हूप्स टू गेट माई डैड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिटेड टू हॉस्पिटल. मेरे डैड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे और जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे. तो जंप थ्रू हूप्स का मतलब आई होप सभी को याद हो चुका है. हुआ या नहीं हुआ, हो गया है. चलिए अपने अगले वर्ड पे आते हैं. एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज कीप ऑन एन इवन कील. कीप ऑन एन इवन कील, कील का मीनिंग क्या होता है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कील. कील का मतलब होता है प्रोजेक्शन. आप इवन कील पे हो, मतलब आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन पे हो जो इवन है. इवन का मतलब क्या है, जो ऐसे रफ नहीं है, जो इवन है. आप आराम से वहाँ पे खड़े हुए हो, आप एक प्रोजेक्शन पर हो जो इवन है. इवन मतलब जो बिल्कुल भी रफ नहीं है, इवन है, एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेट है, एकदम इवन है. मतलब आप कैसे हो, आप एकदम कूल और काम हो. अब वोकैबुलरी क्लास के बहुत सारे बच्चों से मैं पूछने वाली हूँ और मेरा पूछने का टर्न याद आ गया है. काम के मुझे सिनोनिम्स बताइए. मैंने आप सभी को बहुत सारे सिनोनिम्स काम वर्ड के बताए हैं. सीरीन कह सकते हैं, ट्रैंक्विल कह सकते हैं. याद आ गई वोकैबुलरी की पिछली क्लास, पिछली से पिछली थी आई थिंक, कौन सी थी, सभी क्लास में आ जाते हैं वर्ड्स तो हमारे घूम घूम के. सीरीन कह सकते हैं, ट्रैंक्विल कह सकते हैं, प्लैसिड कह सकते हैं. इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, एकदम कूल रहना, एकदम काम रहना. तो अगर आप इफ़ यू आर कीपिंग ऑन एन इवन कील, अगर आप इवन कील पर हो, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा काम हो, आप बहुत ही ज़्यादा कूल हो. सेंटेंस देखते हैं. व्हेन द वर्कर्स आर अनहैप्पी, जब वर्कर्स अनहैप्पी होते हैं, अगर वर्कर्स ही खुश नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फैक्ट्री जो है बहुत कामली, बहुत कूली चलाई जा सके. भाई फैक्ट्री का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसके वर्कर्स हैं. अगर वर्कर्स ही अनहैप्पी हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही अनहैप्पी हैं, तो उस कंपनी को चलाना, उस फैक्ट्री को चलाना बड़ा मुश्किल है. उसको काम और कूल एनवायरनमेंट देना बड़ा मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप द फैक्ट्री ऑन एन इवन कील. ऑन एंड इवन कील का मतलब सारे के सारे बच्चे लोग कमेंट करेंगे एंड मैसेज बोलेंगे क्या होता है, टू रिमेन काम एंड कूल, काम और कूल रहना. चलिए अगले उस पर आ जाते हैं. एंड आर नेक्स्ट फ्रेज या नेक्स्ट ईडियम इज व्हाट, एंड आर नेक्स्ट ईडियम इज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री. विक्ट्री और लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी लैंड ही गिर गई. समझो मीनिंग को. विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या है, जीत. और लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मीनिंग क्या है, पूरी की पूरी लैंड ही गिर, मतलब बहुत तगड़े, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हो जाना. आपके में और आपके कॉम्पिटिटर में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आपको अगर 1 लाख वोट्स मिले हैं तो उसको केवल 100 वोट्स ही मिले हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है. तो हम उस तरह की विक्ट्री को क्या बोलते हैं, उस तरह की जीत को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ लैंडस्लाइड विक्ट्री. लैंडस्लाइड पूरी की पूरी लैंड ही स्लाइड हो गई आपकी तरफ, सारे के सारे वोट्स ही आपकी तरफ आ गए, आपको बहुत बहुत अच्छी विक्ट्री मिल गई, बहुत अच्छी जीत मिल गई. तो अ विक्ट्री बाय अ लार्ज मार्जिन. लैंडस्लाइड विक्ट्री का मीनिंग क्या हो गया, ऐसी विक्ट्री जिसको मैं आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन से जो विक्ट्री मिली है. बीजेपी रिसीव्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस. बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी रिसेंट लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा वोट से जीत गई थी. आई होप सभी को लैंडस्लाइड विक्ट्री याद हो चुका है, एकदम हमेशा के लिए याद हो चुका है. अगले ईडियम पे आते हैं और हमारा अगला ईडियम है इन टेंडम. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेंडम. टेंडम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अभी मैं ईडियम की बात ही नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल से वर्ड की बात कर रही हूँ. टेंडम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टेंडम वर्ड का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो हमेशा साथ रहती है. फॉर एग्जाम्पल साइकिल,
आई डोंट नो साइकिल कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है शायद कुछ. साइकिल का ये वाला व्हील और ये वाला व्हील हमेशा साथ रहता है, एक के पीछे एक होता है. बाइक, बाइक का आगे वाला व्हील पीछे वाला व्हील हमेशा साथ रहता है, एक के पीछे एक होता है. टैंडम का मीनिंग क्या होता है? साइकिल. अगर टैंडम को हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो टैंडम का मीनिंग क्या होता है? एक के पीछे एक, मतलब दोनों चीज़ें साथ में ही रहती हैं. तो इन टैंडम का मीनिंग भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए. इन टैंडम जो हमारी ईडियम है उसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए. और उसका मीडियम भी क्या होता है? उसका मीडियम भी क्या होता है? इन अ सिंगल फाइल, मतलब एक साथ रहना. इफ टू थिंग्स हैपन और आर यूज इन टैंडम, दे हैपन और आर यूज एट द सेम टाइम. वो सेम टाइम पे यूज़ हो रही हैं, सेम टाइम पे हो रही हैं, वो एक साथ हो रही हैं. दैट मीन्स इन टैंडम. इन टैंडम, टैंडम से निकल गया. टैंडम का मतलब होता है साइकिल. तो जो चीज़ें जो सेम टाइम पे हो रही हैं, साथ में हो रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इन टैंडम. अगर मैं वोकैबुलरी पूछूं तो वर्ड बता चुकी हूँ. इवेंट्स दैट अकर टुगेदर, उसके लिए कौन सा वर्ड हमने पढ़ा था बताइए. हमारी वोकैबुलरी की क्लासेस हो रही है, हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका मीनिंग था इवेंट्स दैट अकर टुगेदर. कौन सा वर्ड था? सिंक्रोनस कह सकती हूँ. याद है? याद आया? सिंक्रोनस वर्ड का मीनिंग क्या था? क्रोन. क्रोन वहाँ पे रूट वर्ड था टाइम. सिन, सिन वहाँ पे रूट वर्ड था टुगेदर. तो सिंक्रोनस हम उन इवेंट्स को बोलते हैं जो एक साथ होते हैं, इवेंट्स दैट अकर टुगेदर. अगर मैं पूछूं एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस वर्ड का मीनिंग क्या था? किसी वर्ड के आगे अगर ए आ जाता है दैट मीन्स नो. किसी भी वर्ड के आगे ए आ जाए, इन आ जाए, अन आ जाए, डिस आ जाए, कुछ ना कुछ मीनिंग नो से रिलेटेड होता है. तो एसिंक्रोनस का मीनिंग क्या हो गया? इवेंट्स दैट डू नॉट अकर टुगेदर, वो इवेंट्स जो साथ में नहीं होते हैं, दे आर एसिंक्रोनस इवेंट्स. तो इन टैंडम कौन से होगा? इवेंट्स, सिंक्रोनस इवेंट्स आर इन टैंडम. सिंक्रोनस इवेंट्स जो साथ में होते हैं वो कैसे होते हैं? वो टैंडम में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू सिस्टम इज डिजाइन टू बी यूज इन टैंडम विद द एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क. कम्युनिकेशन नेटवर्क तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ हम न्यू सिस्टम को भी डिजाइन कर रहे हैं. इन टैंडम का मीनिंग क्या हो गया? के साथ साथ. आई होप किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रहा हमारा अगला idiom, टू गो टू बेड विद chickens. गो टू बेड विद chickens. chickens की क्या आदत होती है? वो बहुत जल्दी सो जाते हैं. chickens जो होते हैं या chicken जो होते हैं, दे स्लीप वेरी अर्ली. तो गो टू बेड विद chickens का मतलब क्या हो गया? स्लीप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी सो जाना. अगर कोई शाम को 7 बजे ही सो जाता है या 8 बजे ही सो जाता है, तो आप उसके लिए क्या idiom यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ द idiom गो टू बेड विद chickens. मीनिंग क्या हो गया गो टू बेड विद chickens का? गो टू बेड वेरी अर्ली, बहुत जल्दी ही बेड पे चले जाना. टू गो टू बेड एट द सनसेट, सनसेट पे चले जाना. एट द सेम टाइम दैट chickens गो टू स्लीप, chickens बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो आप भी बहुत जल्दी चले गए सोने. They say that farmers go to bed with the chickens. Farmers जो होते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी सो जाते हैं. Go to bed with chickens का मतलब क्या है? बहुत जल्दी सो जाना. अगले idiom पे आ जाते हैं. और हमारा अगला idiom है go to bat for. आप किसी के लिए batting करने जा रहे हो, इसको मैच से consider करो. आप किसी के लिए batting करने जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? idiom को ऐसे समझते हुए याद करोगे ना, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे. गो टू बैट फॉर, आप किसी के लिए बैटिंग करने जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसको सपोर्ट करते हो. दैट मीन्स दैट यू सपोर्ट दैट पर्सन, मतलब समवन टू सपोर्ट और हेल्प. द गवर्नमेंट विल गो टू बैट फॉर कंपनीज. गवर्नमेंट किनको सपोर्ट करेगी? उन कंपनीज को सपोर्ट करेगी जो कंपनीज बहुत टैक्स देती है. गवर्नमेंट जो है बैटिंग करने जाएगी उन कंपनीज के लिए, मतलब गवर्नमेंट उन कंपनीज को सपोर्ट करने वाली है जो कंपनीज बहुत ज़्यादा टैक्सेस देती हैं. तो गो टू बैट फॉर का मीनिंग क्या हो गया? गो टू बैट फॉर का मीनिंग हो गया सपोर्ट करना किसी को. चलिए हमारे अगले idiom पे आ जाते हैं. और हमारा अगला idiom है have the ball at your feet. आपके पैरों पर बॉल आ गई है, इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के आई है. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसका सबसे अच्छा काम यूज कर सकते हो. यू हैव द बॉल एट योर फीट टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग.
having the best opportunity of succeeding. आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी खुद आपके चल के आई है और आपके पैरों में इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटी है. अब आप सक्सेसफुल बन सकते हो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ तो. दैट मीन्स यू हैव द बॉल एट योर फीट. सेंटेंस देखते हैं. आई वॉन्ट टू हैव द बॉल एट माई फीट एट द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इन द गेम. जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी अपने पास चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव द बॉल एट माई फीट. हर कोई चाहता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी. एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव द बॉल एट इट्स हिज फीट. हर कोई चाहता है कि बॉल उसके पैरों में ही हो. मीन्स अपॉर्चुनिटी उस बंदे के पास ही हो. अच्छा, मैंने एक सेंटेंस लिखा. मुझे बताना स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में क्या एरर है. मैंने लिखा एवरीवन वांट्स टू हैव द बॉल एट देयर फीट. टेल मी व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस. क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है. यस गाइस टेल मी. याद आ गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल. आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया होगा. ईच एवरी हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आता है, सिंगुलर एडजेक्टिव आता है, सिंगुलर ही वर्ब आता है. इसका मतलब एट देयर फीट नहीं आएगा. यहाँ पे आने वाला वर्ड क्या होगा, एट हिज फीट. हिज फीट क्योंकि ईच एवरी ईदर नीदर इन सब के साथ सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है, सिंगुलर ही एडजेक्टिव आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है. और ये हिज यहाँ पे क्या है, किसका फीट. हिज फीट वो वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है. कैन आई से ये जो हिज है यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है. बच्चे प्रोनाउन नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रोनाउन, इट इज़ एन एडजेक्टिव. वो वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है. हिज फीट किसका फीट, उसका फीट. फीट एक नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक आई डोंट थिंक होने वाला है. सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हुए चल रहे हैं. अगला हमारा वर्ड आता है अप अगेंस्ट द वॉल. रिलेट करो, समझो. वॉल के अगेंस्ट ऊपर जाना, वॉल के अगेंस्ट ऊपर जाना मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में होना. वॉल के अगेंस्ट ऊपर मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में होना क्या मीनिंग हो गया. इन अ वेरी बैड पोजिशन और सिचुएशन. बहुत ही बुरी सिचुएशन में होना, बहुत ही बुरी पोजिशन में होना. समटाइम्स द मोस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस कम टू अस व्हेन वी आर अप अगेंस्ट. अब हमारी तो सिचुएशन ही अच्छी नहीं है और उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं. तो अप अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के अगेंस्ट ऊपर मीन्स अ वेरी बैड सिचुएशन. बहुत 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 ज़्यादा खराब सिचुएशन होना. चलिए अगले पे आते हैं. अगला है रीप द वर्लविंड. वर्लविंड का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है. वर्लविंड तूफान, टॉर्नेडो. और आप क्या कर रहे हो, आप उसको रीप कर रहे हो, आप उसके रिजल्ट्स को ले रहे हो, उसके रिजल्ट्स का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है. तो मीनिंग क्या हो जाएगा, सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शंस. आपने कुछ एक्शंस ऐसे किए जिनकी वजह से ये तूफान आया, अब आपको उस तूफान के एक्शंस को रीप करना पड़ रहा है. मतलब आपके जो नेगेटिव एक्शंस थे आपको उनका कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ रहा है. यू आर बेयरिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सम ऑफ योर बैड एक्शंस. व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, यू आर रीपिंग द वर्लविंड. आप वर्लविंड को रीप कर रहे हो. वर्लविंड मीन्स इट्स अ स्टॉर्म, इट्स अ काइंड ऑफ टॉर्नेडो. तो अगर मैं सेंटेंस देखूं, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे यू विल हैव टू रीप द वर्लविंड इन द फ्यूचर. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस सफ़र करना ही करना पड़ेगा. आपको अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस फेस करना ही करना पड़ेगा. रीप द वर्लविंड का मीनिंग क्या हो गया, सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शंस. तो स्टूडेंट्स बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिस समय वीडियो को देख रहे हैं. इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. अगर मैं जितनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए दे रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिशियल हो रही है, आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, देन इट इज़ अ रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक दी वीडियो. क्योंकि बहुत कम लाइक्स हैं, लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए.
चलिए लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है ऑफ द फर्स्ट वाटर. मतलब को समझो, पहला पानी जहाँ से पानी आता है. फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज में सबसे ऊपर से जहाँ से पानी आता है, जहाँ से फर्स्ट वाटर ड्रॉप्स गिरती हैं, वहाँ पे पानी सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है. अगर मैं हिमालयाज की बात करूँ और अगर मैं हिमालयाज को देखूँ, फॉर एग्जाम्पल गंगा का जो कह सकते हैं ओरिजिन है वो सपोज यहाँ से है, तो ये जो फर्स्ट वाटर है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा. फिर जैसे जैसे ये माउंटेन से नीचे आएगा, प्लेन्स में जाएगा, वाटर की क्वालिटी क्या होगी? डिग्रेड होती जाएगी. तो ऑफ द फर्स्ट वाटर का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द idiom ऑफ द फर्स्ट वाटर? इट मीन्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी का होना. याद हो गया? ऑफ द फर्स्ट वाटर जैसे ही आया मुझे गंगा की याद आ गई, मुझे पानी की याद आ गई और मुझे समझ में आ गया ऑफ द बेस्ट क्वालिटी हैविंग द अटमोस्ट स्केल और वैल्यू. सबसे ज़्यादा स्केल होना, सबसे ज़्यादा वैल्यू होना मीन्स फर्स्ट वाटर का होना. फॉर एग्जाम्पल द रेस्टोरेंट इज रिनोड फॉर सर्विंग फूड ऑफ द फर्स्ट वाटर. ये जो रेस्टोरेंट है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये इस चीज़ के लिए फेमस है कि जैसा ये खाना सर्व करता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो ऑफ द फर्स्ट वाटर होता है. आई होप ये वाला idiom सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद हो चुका है. अब हम अपने अगले idiom पे आ जाते हैं, weather the storm. storm आया, तूफान आया और आप वहीं खड़े रहे, आपने उस तूफान को tolerate कर लिया, आपने उस तूफान को endure कर लिया. weather the storm idiom का meaning क्या हो गया? survive a period of difficulty. आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया, आपकी ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट आपने उनको सर्वाइव कर लिया, आप डटे रहे, आपको उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. दैट मीन्स व्हाट हैव यू डन? आपने क्या किया है? यू हैव वेदर्ड द स्टॉर्म. आपने स्टॉर्म को वेदर कर लिया है मीन्स यू हैव सर्वाइव्ड अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी. यू हैव एंड्योर. एंड्योर का मीनिंग क्या होता है? सहन करना, टॉलरेट करना. यू हैव एंड्योर्ड अ पीरियड ऑफ हार्डशिप और डिसऑर्डर. वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग सभी को आई थिंक याद हो चुका है. बुरी सिचुएशन में भी अपने आप को एकदम सही रखना और उस बुरी सिचुएशन के निकल जाने तक बिल्कुल डटे रहना. दैट वॉज द हार्डेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ. वो मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, बट इन द एंड, बट अंत में आई वॉज एबल टू वेदर द स्टॉर्म. मैं सक्सेसफुल रही उन बुरे दिनों से बाहर निकलने में सक्सेसफुली विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली. किसके सपोर्ट से? फैमिली के सपोर्ट से आई वाज एबल टू वेदर द स्टॉर्म सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी. चलिए अगले idiom पे आ जाते हैं, स्पिन योर व्हील्स. स्पिन योर व्हील्स का मतलब क्या है? आप केवल व्हील ही स्पिन किए जा रहे हो, वो व्हील ही स्पिन हो रहा है आपका. वो व्हील आगे की डायरेक्शन में नहीं घूम रहा, बढ़ रहा है, वो बस अपनी जगह पे स्पिन हुए जा रहा है. क्या मीनिंग होगा? यू गाइज विल टेल मी व्हाट विल बी द मीनिंग. वो जो व्हील है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इट इज़ नॉट मूविंग अहेड, वो सिर्फ अपनी जगह पर स्पिन किए जा रहा है. इसका मतलब क्या है? आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है. रिग्रेस हम पढ़ चुके हैं वोकैबुलरी क्लास में, मुझे सारे के सारे बच्चे बताएंगे रिग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. दो वर्ड्स पढ़े थे, रिग्रेस पढ़ा था, डिग्रेस पढ़ा था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिग्रेस? रिग्रेस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? प्रोग्रेस. मतलब आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी जगह पे आपका व्हील घूमे जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है. आप सिर्फ अपने एक ही जगह पे खड़े हुए हो, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो. मतलब आप अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट तो लगा रहे हो उसे घुमाने में, बट वो उसी जगह पर है और आप कभी ना ही प्रोग्रेस कर रहे हो ना ही आप रिग्रेस कर रहे हो. मतलब आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो. स्पिन और व्हील्स का मतलब क्या हो गया? वेस्ट योर टाइम. सेंटेंस देखते हैं, वी हैवंट बीन एबल टू डू एनीथिंग न्यू. हम कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे जब तक फंडिंग नहीं आएगी. फंडिंग नहीं आएगी हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. तो प्रोजेक्ट अभी क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट केवल अपनी जगह पर ही है. हम एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, हम कितनी भी एफर्ट्स लगा लें लेकिन जब तक फंडिंग नहीं आएगी हम कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे. तो प्रोजेक्ट इज वॉट डूइंग वॉट? प्रोजेक्ट इज जस्ट स्पिनिंग द व्हील्स. प्रोजेक्ट केवल और केवल व्हील्स को स्पिन कर रहा है. स्टूडेंट्स समझ में आ रहे हैं? सभी लोगों को रिलेट कर पा रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूँ मैं अगली क्लास में इन्हीं idioms का क्विज लूँगी तो क्या सभी के बच्चे मुझे एकदम आंसर दे पाएंगे idioms का?
मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको मीनिंग भी बताऊँ, आपको सेंटेंस भी बताऊँ, आपको रिलेशन भी बताऊँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अब बस आप लोगों को इस लेक्चर को पूरा का पूरा देखना है, हर एक ईडियम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में मैं इन्हीं ईडियम से आपका क्विज लेने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉरी दिस इज द नेक्स्ट 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 ईडियम, और जो क्या कह रही है, आर नेक्स्ट ईडियम इज वियर द ग्रीन विलो। विलो एक तरह का पेड़ होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनको विलो बोलते हैं। वियर द ग्रीन विलो मतलब ग्रीन विलो, वियर टू ग्रीव फॉर लॉस्ट और अनरिक्विटेड लव। आप दुखी हो, क्यों दुखी हो, क्योंकि आपका प्यार आपके से दूर जा चुका है। अनरिक्विटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बोलूँ इट मीन्स अनरेसिप्रोकेटेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक तरफा प्यार, एक तरफा इश्क। यहाँ से मुझे एक डायलॉग याद आ गया, बट आई वोंट स्पीक द डायलॉग हियर राइट नाउ। आप लोगों को भी याद आ गया होगा आई थिंक, कौन सी मूवी का डायलॉग है वो, आई थिंक द मूवी वॉज ओम शांति ओम, यस उसका मुझे एक डायलॉग भी याद आ गया। तो अनरिक्विटेड लव का मीनिंग क्या, यू ओनली लव दैट पर्सन, दैट पर्सन डिड नॉट लव यू, और उसके लिए आप बहुत दुख में हो, आप बहुत ग्रीव कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वियरिंग द ग्रीन विलो। वियर द ग्रीन विलो का मीनिंग क्या हो गया, ये जो ग्रीन अभी आया कहाँ से ये फ्रेज, ये जो ग्रीन विलो जो पेड़ होता है ना, ये इसका लिंक होता है दुख से, सैडनेस से। तो वहाँ से आया कि आपने वियर द ग्रीन विलो, ग्रीन विलो आपके अंदर आ गया है, आपके ऊपर आ गया है, मतलब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो इस समय, यू आर वेरी सैड एट दिस मोमेंट। देखते हैं, आई वोर द ग्रीन विलो आफ्टर माई ट्रू लव मैरिड अनदर मैन। मैरिड अ अदर मैन नहीं होगा, ये शायद थोड़ा सा मिस्टेक है, इट इज़ मैरिड अनदर मैन। जब मेरे सच्चे प्यार ने दूसरे से शादी कर ली तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, आई वोर अ ग्रीन विलो। चलिए अगले पे आ जाते हैं, हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग क्या है, अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन होना, बहुत ज़्यादा डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होना, दैट मीन्स अ हॉर्नेट्स नेस्ट। आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप बहुत परेशान हो अपनी सिचुएशन को लेके, दैट मीन्स इट इज़ अ हॉर्नेट्स नेस्ट। सेंटेंस देखते हैं, इफ वी डू नॉट हैंडल द सिचुएशन, अगर हम सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हैं, आई फियर दैट वी विल फाइंड आवरसेल्व्स इन अ रियल हॉर्नेट्स नेस्ट। अगर हमने सिचुएशन को डील नहीं किया तो मुझे डर लगता है कि हम अपने आप को एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पाने वाले हैं, हम अपने आप को एक हॉर्नेट्स नेस्ट में पाने वाले हैं, नेस्ट में पाने वाले हैं, हमारे लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग क्या हो गया, अ वेरी 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 डिफिकल्ट सिचुएशन। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज इन अ फ्लटर। फ्लटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्लटर। फ्लटर वर्ड का मीनिंग होता है मूवमेंट, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट करना। जब कोई इंसान नर्वस होता है, व्हेन अ पर्सन इज वेरी नर्वस, वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है। तो इन अ फ्लटर, फ्लटर वर्ड का ही मीनिंग होता है आगे पीछे करना। तो इन अ फ्लटर जो ईडियम है, उस ईडियम का मीनिंग क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ द ईडियम इज इन अ नर्वस स्टेट, एक नर्वस स्टेट में होना, परेशान होना। जनरली क्या होता है, जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, आप कैसे होते, यू आर इन अ फ्लटर, आप नर्वस होते हो कि रिजल्ट क्या होगा, तो आप आगे पीछे घूमते रहते हो, चलते रहते हो, फिरते रहते हो, आगे पीछे करते हो, दैट मीन्स यू आर इन अ फ्लटर। मीनिंग सेंटेंस देखते हैं, द इकॉनमी इज स्टिल इन अ फ्लटर आफ्टर न्यूज दैट द कंट्रीज लार्जेस्ट कॉरपोरेशन हैज़ फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। कंपनी की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है, इस वजह से जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस सिचुएशन में है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस स्टेट में है, मतलब इन अ फ्लटर है। अगला ईडियम है ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब ग्रीक है, मुझे ग्रीक नहीं आती, और वो मेरे लिए एकदम और एकदम ग्रीक है। तो ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या हो गया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है, इट इज़ कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वो मुझे बिल्कुल ही मेरे सर के ऊपर से, क्या मैं कह सकती हूँ वो मेरे लिए ऑब्सक्योर है, कैन आई से वो मेरे लिए एम्बिगुअस है, कैन आई से वो मेरे लिए वेग है,
मतलब मेरे लिए क्लियर ही नहीं है क्या बात हो रही है क्या, और इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सारा का सारा ग्रीक है. तो अगर मैंने बोला, क्या बोला मैंने, बोला साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इज़ ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, मैं उसे समझने में सक्षम नहीं हूँ. ऑल ग्रीक टू मी का मीनिंग क्या हो गया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल. इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट एबल टू, का मतलब क्या है, आपके माउथ में मील है, आप कुछ खा रहे हो और आपका मुंह जो है भर गया है, इसका मतलब क्या है, जब आपका मुंह भरा हुआ है देन यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, आप कुछ बोल नहीं सकते. इफ आर ईटिंग समथिंग यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, ऐसे रिलेट करके याद करो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा. तो मीली माउथ रेट का मतलब क्या हो गया, अब मील इज इनसाइड योर माउथ, यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, मतलब यू आर अफ्रेड टू स्पीक फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्डली. आप फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलने से डर रहे हो, मतलब आप क्या है, आप मीली माउथेड हो, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप बोलना चाहते हो बट आप उस बात को फ्रैंकली बोल ही नहीं पा रहे हो. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आप फ्रैंकली कुछ बोलना चाहते हो बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट फ्रैंकली, दैट मीन्स वॉट यू आर मीली माउथेड, आप मीली माउथेड हो. एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ द करप्शन इन आर सिस्टम, हर कोई अवेयर है हमारे सिस्टम में जो करप्शन है, बट ऑल आर मीली माउथेड, बट कोई भी उसके बारे में फ्रैंकली बात नहीं करता है, कोई भी उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात नहीं करता है, मीन्स मीली माउथेड. चलिए अगले idiom पे आते हैं. अगला idiom है rip up old sores, इसको हिंदी में बोलते हैं पुराने जख्म को रेदना. सोर का मीनिंग क्या होता है, एक जख्म, वूंड कह सकते हैं. रिप अप का मीनिंग क्या होता है, यू आर रिपिंग अप दैट थिंग, मतलब आप कुरेद रहे हो पुराने जख्म. टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल, पहले कभी लड़ाई हुई थी जो भूल चुके हैं, जो ख़त्म हो चुकी थी, अब आप क्या कर, ओल्ड सोर्स ऑफ द पाकिस्तान. आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के पुराने जख्मों को कुरेद दिया है, रिप अप कर दिया है. रिप अप ओल्ड सोर्स का मीनिंग क्या हो गया, टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल, जो चीज़ भूल चुके हैं उसको हम वापस लेके आ रहे हैं, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं. रिवाइव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना. रिवाइव का मतलब किसी चीज़ को वापस वाली स्टेज पर लेके आना, जो पहले जैसा था उसको वैसा बना देना. चलिए अगला फ्रेजल वर्ब और हमारा आज के सेशन का लास्ट फ्रेजल वर्ब, जिसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. एंड द फ्रेजल वर्ब इज रूल टू रूस्ट. रूल टू रूस्ट का मतलब होता है किसी को डोमिनेट करना, किसी को ओवर पावर करना. रूल टू रूस्ट, व्हाट इज द मीनिंग, टू ओवर पावर समथिंग, यू आर डोमिनेटिंग समथिंग, दैट मीन्स यू आर रूलिंग टू रूस्ट. सेंटेंस इन कांग्रेस, इट इज द गांधी फैमिली हु रूल्स द रूस्ट. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, रूल द रूस्ट आएगा, रूल टू रूस्ट नहीं आएगा. रूल द रूस्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी को डोमिनेट करना. तो अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कौन डोमिनेट करता है, गांधी फैमिली डोमिनेट करती है. सो व्हाट इज द सेंटेंस, इन कांग्रेस इट इज द गांधी फैमिली हु रूल्स द रूस्ट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन 20 idioms एंड phrases एंड आई होप सभी के सभी बच्चों को ये idioms एंड phrases एकदम क्लियर हैं और याद भी हो चुके हैं, क्योंकि अगली क्लास में मैं आप लोगों का इन्हीं idioms और phrases पर क्विज लेने वाली हूँ. चलिए नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस. अब टाइम है कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का. आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन, वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस. नाउ इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे. कीप योर चिन अप का मीनिंग क्या होता है, ये हमने आज सुबह वाली क्लास में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो. 1 बजे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप योर चिन अप. बहुत बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मुश्किल वक्त में भी चीयरफुल रहना, मुश्किल वक्त में भी खुश रहना. व्हाट इज इट, इट इज रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मीन्स कीप योर चिन अप. आपका चिन हमेशा ऊपर है, आप कभी चिन जब नीचे होता है इसका मतलब क्या होता है, दिस इज नोन एज चिन. चिन जब नीचे होता है इसका मतलब क्या होता है, आप बहुत मुरझाए हुए हो, आप बहुत सोरोफुल हो, आप बहुत दुखी हो. और जब आप हैप्पी होते हो तो कभी भी आपका चिन अप नीचे नहीं होता, योर चिन इज ऑलवेज अप, दैट मीन्स यू आर हैप्पी इवन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मुश्किल टाइम पर भी आप बहुत खुश हो, दैट मीन्स कीप योर चिन अप. चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए क्या आंसर होगा. आई होप सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही देंगे.
आइसिंग ऑन द केक, केक है उसके ऊपर आइस की और लेयर लगा दी. केक तो ऑलरेडी आपके पास है ही और उसके ऊपर आपने आइस की लेयर और लगा दी, मतलब आपको मिल तो रहा ही है, उसके ऊपर से आपको एक्स्ट्रा और मिल रहा है. आपको कुछ मिल रहा है और उसके ऊपर से आपको एक्स्ट्रा और मिल रहा है, क्या आंसर हो जाएगा? वॉट विल बी द आंसर, टेल मी एवरी वन. राइट, गेटिंग एक्स्ट्रा देन एक्सपेक्टेशंस. आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब देयर इज एन आइसिंग ऑन द केक. बहुत ईजी है idioms. मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट idioms इन क्लासेज में पढ़ाने वाली हूँ. शाम को 6 बजे की क्लास में हम बहुत सारे idioms पढ़ेंगे. मैं आपको ऐसे ऐसे तरीकों से पढ़ाने वाली हूँ कि आपको ये idioms हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी. और एग्जाम में अगर idiom आएगी तो आपका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आएगा उसमें. चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे, बताइए क्या आंसर होगा. अ लॉन्ग फेस, लंबा सा चेहरा बना लेना. ये तो हम हिंदी में भी बोलते हैं, लंबा सा चेहरा बना लिया उसका, मतलब वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, वो बहुत दुखी है. लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या हो गया? यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन यू स्माइल. जब आप स्माइल करते हो, क्या फेस लॉन्ग होता है या फेस ब्रॉड होता है बताओ? जब हम स्माइल करते हैं फेस लॉन्ग होता है या ब्रॉड होता है? इफ आई एम स्माइलिंग लाइक दिस, मेरा फेस लॉन्ग से ब्रॉड हो रहा है, मतलब जब मैं खुश हूँ तो फेस ब्रॉड हो रहा है, जब मैं दुखी हूँ तो फेस लॉन्ग हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया? टू लुक डिसअपॉइंटेड फॉर सम टाइम. लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या हो गया? दुखी लगना कुछ टाइम के लिए. वॉट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है. आई होप बहुत सारे बच्चों का सही निकला होगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, बताइए क्या आंसर होगा. स्पिल द बीन्स, उसने आपको कुछ बीन्स दिए थे, उसने आपको कुछ अपने सीक्रेट्स दिए थे, उसने आपको अपने कुछ बातें बताई तो आपने क्या किया? उन बीन्स को फैला दिया. स्पिल का मीनिंग क्या होता है? आपने उन बीन्स को फैला दिया, मतलब आपने उसके सीक्रेट्स सबको बता दिए. ही टोल्ड यू सर्टेन सीक्रेट्स और आपने उसके सीक्रेट्स को फैला दिया, आपने उसके सीक्रेट्स को बता दिया सबको. स्पिल द बीन्स क्या मीनिंग हो गया? टू टेल पीपल अबाउट समवन्स सीक्रेट्स. आपने लोगों को किसी के सीक्रेट्स के बारे में बता दिया, एंड विच यू शुड नेवर एवर डू. सो वॉट इज द राइट आंसर? सही आंसर क्या हो चुका है हमारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए आंसर. फनी हाउ यू कैन गेट अ बी इन योर बॉनट. बी इन योर बॉनट, बी बार बार मंडरा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है. बी करती क्या है? मक्खी बार बार घूमे जाती है, घूमे जाती है, घूमे जाती है. आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, फिर भी वो आपके सर पे आ जाती है. तो बी इन योर बॉनेट का मीनिंग क्या हो गया? आपका एक आइडिया है जो आपके दिमाग में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है. हर टाइम आप उस आइडिया के बारे में ही सोच रहे हो. आप कोशिश भी कर रहे हो कुछ, आप कुछ और सोच लो, बट वो आइडिया ही आपके दिमाग में बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है. तो अब बी इन योर बॉनेट का मीनिंग क्या हो गया? ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया. आप किसी आइडिया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो, वो आइडिया आपके दिमाग में बार 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 घूम रहा है. ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है. चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टेल मी द आंसर्स एवरीवन. रीइन्वेंटिंग द व्हील. भाई व्हील इन्वेंट हो चुका है, व्हील आ चुका है, तो उसको रीइन्वेंट क्यों कर रहे हो? मतलब क्या कर रहे हो? व्हील बन चुका है, तुम उसको फिर से बना रहे हो. व्हील बन चुका है, तुम उसको फिर से बना रहे हो, मतलब व्हाट यू आर डूइंग? यू आर वेस्टिंग टाइम. आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. फर्वर का मीनिंग क्या होता है? एंथुजियाज्म. उसने बहुत एंथुजियाज्म के साथ बोला डिस्कवरी के, बट वो कर क्या रहा था? वो वेस्ट कर रहा था अपना टाइम का और कुछ नहीं कर रहा था. व्हील ऑलरेडी बन चुका है, वो उसको दोबारा बना रहा था. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के सभी आंसर सही निकल रहे हैं, और आप लोग मुझे लास्ट में अपना स्कोर भी बताने वाले हैं. ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
इट वॉज होप दैट द टेस्टिमनी का मतलब जो बोल रहे हैं विटनेस, जो अपना बोल रहे हैं कि ये बात सही है, अपना टेस्टिमनी दे रहे हैं, वुड शेड लाइट प्रकाश डालना किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर लाइट डालना मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन करना. किसी चीज़ के ऊपर लाइट डालने का मतलब क्या हो गया, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना. इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. सी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर है. चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन. क्या होगा आंसर बताइए. Everyone, they allowed him to save face by accepting his resignation. Save face, बचा लेना. Face बचा लेना का मतलब क्या है? Avoid humiliation, कि लोग उसका मजाक बनाएं, लोग उसके बारे में खराब बोले, उससे बचा लिया, उसके face को बचा लिया. Save face का meaning क्या हो गया? Avoid humiliation, humiliation को avoid करना. अगला question ये रहा आपकी screen पे. डॉरी इज अ बर्निंग क्वेश्चन है. करप्शन बर्निंग क्वेश्चन है. आजकल टेररिज्म बर्निंग क्वेश्चन है. बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? अ वाइडली डिबेटेड इशू. ऐसा इशू जो बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों. इसका तो आंसर दे दोगे, आराम से दे दोगे. पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर. उसने सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्रॉस कर लिया है. टर्न द कॉर्नर का हमने मीनिंग क्या पढ़ा था? सबसे डिफिकल्ट पास्ट पार्ट क्रॉस कर लेना. आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, पास्ट द क्राइसिस. क्राइसिस को पास कर लिया है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन 10 क्वेश्चन ऑन idioms एंड phrases टूडे. सबसे पहले तो मुझे सारे के सारे बच्चे अपना स्कोर बताएंगे. आउट ऑफ 10 आप लोगों का क्या स्कोर रहा है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन टेल मी योर स्कोर्स. जल्दी से जल्दी सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे अपना स्कोर बताने वाले हैं. अगर 5 से ऊपर है देन आई एम सैटिस्फाइड. अगर आप लोगों का स्कोर 5 से ज़्यादा है देन आई एम सैटिस्फाइड विद दैट. जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे अपना स्कोर बताएंगे. और वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, IBPS PO बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत बहुत नज़दीक है, बहुत पास है. 60 days भी नहीं बचे हुए हैं, तो अभी से एकदम प्रॉपर फोकस्ड वे में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो. अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो NB लाइफ को डेफिनेटली सारे के सारे बच्चे अप्लाई कर देंगे. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा NB लाइफ कोड से. बहुत अच्छा कोड है. मतलब मैं तो इसे ऐसे लेती हूँ, एंड बिलीव उसी का वो शॉर्ट फॉर्म लग रहा है. एंड बी लाइफ एंड बिलीव, मतलब विश्वास तो करना ही पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, तभी चीज़ें सक्सेसफुल होती है, मतलब ठीक होती है. तो इसलिए स्टूडेंट्स हैव बिलीव ऑन अस. हम लोग मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय बैंक में मैनेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं. सो बहुत फोकस्ड वे में तैयारी हम सभी को करनी है. बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट्स हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर करने हैं, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग करनी है. इसकी पूरी कोशिश मेरी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश है कि जितना मुझसे बन पाता है मैं आप लोगों के लिए करूँ. एंड जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. एंड वॉट इज़ दैट थिंग इज़ कि आप सभी लोग मुझे एक दिन बोलो, या मतलब इसी साल बोलो. इनफैक्ट प्रिलिम्स के बाद बोलो, मैम प्रिलिम्स क्लियर हो गया है. मेन्स के बाद बोलो, मैम मेन्स क्लियर हो गया है. इंटरव्यू के बाद बोलो, मैम इंटरव्यू क्लियर हो गया है. और लास्ट में क्या बोलो, मैम इस डेट से हमारी ज्वाइनिंग है, वी हैव आर ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस डेट. थैंक यू एवरी वन, इट वॉज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू. एंड आई होप हमें आज के क्लास के बाद बहुत सारे idioms एंड phrases याद हो चुके हैं. 3 sentences सारे के सारे बच्चे एकदम मिलके बोलेंगे. कौन कौन से वो 3 sentences हैं? पहला, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज. दूसरा, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश. और तीसरा, आई विल डेफिनेटली गेट अ बैंकिंग जॉब बाई नेक्स्ट ईयर. 1, 2, 3 एंड गो. सभी लोग मिलके बोलेंगे, English is a very easy language. I am very good at English. I will definitely get a banking job by the next year. Thank you everyone. Stay blessed. Bye-bye. Take care. And we will meet tomorrow at 1 PM. Kal ki class mein hum 1 baje milne wale hain. Bye-bye everyone.